तो देखिए दोस्तों, एंटर करते हैं जीडी कॉलेज में। आपको सबसे पहले ये इंटरफेस नज़र आएगा। बहुत भीड़ है ना, काफ़ी भीड़ है यार। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। अभी तो ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट उस साइड में है, तीन पार्ट उधर है, इतने ही ग्रुप वहाँ और बैठे हैं सब। सो गाइस, आज तीसरा दिन है हमारा बिहार में, और अभी बिहार में हम हैं बेगूसराय में, जीडी कॉलेज के अंदर हैं। बहुत सारे लड़के आए हैं, बहुत ज़्यादा लड़के आए हैं यहाँ पे, रुके दिखाता हूँ मैं। ये तो खेलने वाले हैं सब लड़के, एग्ज़ाम वाले बच्चे उधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, ये सब खेलने वाले लड़के हैं सब। और एक वहाँ है उधर, बहुत ज़्यादा नहीं है भीड़, दो दो तीन तीन एक एक वैकेंसी में इतना ज़्यादा बच्चे आए हैं सब, पूछो मत। सही है, बेरोज़गारी बहुत बेरोज़गार है यहाँ पे, मैं भी तो हूँ। सच्चिदानंद भवन यहाँ भी है ना सेंटर, यहाँ पे भी गए हैं सब बच्चे, काफ़ी भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा आपको, यहाँ पे जीडी कॉलेज के अंदर एक इग्नू कॉलेज आपको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, बिहार पुलिस में टीए कहाँ देता है, ट्रैवलिंग ट्रैवल अनाउंस कहाँ देता है। आज जो था ना यार, बहुत भीड़ था, क्योंकि आज जो ICL का भी एग्ज़ाम था और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम था इस कॉलेज में, जीडी कॉलेज में। और देखिए आप, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, आपको नज़र आ रहा होगा। दिन में थोड़ा इस तरह दिखता है बेगूसराय, रात का तो मैंने आपको व्यू दिखाया था बेगूसराय का, कुछ इस तरह है दिन का नज़ारा, देख सकते हैं आप। और अभी हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं ममता होटल से, बस अभी थोड़ी देर में करेंगे। पिछली बार भैया मिले थे, ये यहाँ पानी भर रहे हैं, क्या ले भैया, ये मिले थे भैया पिछले साल हम लोगों को, पिछली बार जब एग्ज़ाम देने आया था और यहीं पे ठहरे थे किचन वाले रूम के ऊपर, वो 500 लिया था तब टाइम, और अभी 650 लिया है। ठीक है, अगर यहाँ एग्ज़ाम पढ़ते तो आना इसी होटल में, ठीक है, काफ़ी अच्छा है होटल, ममता होटल है ना, ममता होटल है, ठीक है, आना जरूर विजिट करना इधर, ठीक, बाय। तो फाइनली दोस्तों, अभी हमने होटल से चेकआउट कर लिया और हम निकल पड़े हैं बेगूसराय रेलवे स्टेशन की तरफ। देख सकते हैं आप यहाँ पे हम लोग ई रिक्शा में बैठे हुए हैं और आपको कुछ व्यू यहाँ से दिखा रहे, थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं बेगूसराय रेलवे स्टेशन की तरफ, मैं जूम करके दिखा रहा आपको। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्यारा सा झंडा, जय हिंद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टेशन की ओर, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई चल रही है और काफ़ी क्लीन है यहाँ का रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं आप। यहाँ पे पानी नहीं, थोड़ा जो है सफाई वफाई चल रही है यहाँ पे, लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो सब यहाँ पे पानी नहीं डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी हम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गए हैं और ये हमारी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट की जा रही है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट आए हुए थे जो कि एग्ज़ाम देने आए थे यहाँ पे, बिहार पुलिस का और ICL के एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे। ये अब यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ठीक है,
फाइनली हम लोग जो है पहुंच गए हैं सिवान पूर्विया एक्सप्रेस से, जो कि लेट हुई है काफ़ी, 1.5 घंटे लेट थी। और अभी हम लोग पहुँचे 9 बजे, 9:30 हो गया, ठीक है। और अभी यहाँ से जाएंगे, अभी भाई आएगा, छोटा मामा का लड़का आएगा, वो लेकर के जाएगा, ठीक है। तो फाइनली पहुँच गए बेगूसराय टू सिवान, मिलते हैं फिर। ये है हमारा होम टाउन स्टेशन सिवान जंक्शन, और इसके दीवारों पर जो पेंटिंग हुई है मिथाली पेंटिंग है, कुछ लोगों को पता होगा, मैं कुछ लोगों को क्या बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, इस वीडियो से उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है पेंटिंग, कैसा होता है मिथाली पेंटिंग, क्या है उसकी बात कर रहे हैं हम। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देख सकते हैं आप, बर्थ प्लेस जीरादी, ये देखिए सिवान का स्टेशन जो है कुछ इस तरह से है बाहर साइड से। अभी ये अम्मा जो हैं हम लोगों से मदद ली हैं, दिखाना नहीं चाहता लेकिन अब आ गई इस बीच में तो बता दे रहा। रात का समय है, ये अकेली आई हैं छपरा से सिवान, और इनको घर जाना है इस टाइम जो है, अभी ऑटो ऑटो जो भी है साधन जो है नहीं है, लेकिन हम लोग मदद कर दे रहे हैं कॉल करके। उन्होंने बोला कि बाबू कॉल कर दीजिए, तो हम लोगों ने कॉल किया, इनके फ़ोन से कॉल किया जा रहा है। तूने बनाया? यस। बहुत अच्छा है यार, किससे है ये, क्या क्या मटेरियल है ये? फोम। फोम है, फोम। और क्या किया यहाँ? धागे से बांध दिया, धागे से बांध दिया है। फिर इधर धागे से बांधे हैं। कितना अच्छा है। फिर ये कलम से चलाए हैं, ये ब्लू पेन, ये रेड पेन, ये पेन चलाया इस पे। सही है यार, टेडी बियर लग रहा है। होममेड टेडी बियर। जैसे हम है वैसे मेरे टेडी बियर, इसको कितना भी किस करो ये कहती नहीं है कि हटा। तो भैया देख लिया वीडियो सब, और फाइनली जो है हम अपने एरिया में आ चुके हैं लखनऊ, अपने घर की तरफ PGI, ठीक है। और वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।